अॼु मिलंदासीं सिंधीअ जे मायनार शायर श्री वासदेव मोहीअ सां। ही साहिब सेंट्रल साहित्य अकेडमी जे सिंधी एडवाइज़री बोर्ड जो कन्वीनर पिणु आहे ऐं खेसि साहित्य अकेडमी जे पुरस्कार सां नवाज़ियो वियो आहे। हिन काफ़ी शाइर लिखिया आहिनि ऐं सिंधियुनि जो मक़बूल शाइर आहे। हिन जो ख़्यालु सिंधी ॿोलीअ जे आईंदे बाबति छा आहे, अचो त ॿुधूं। सिंधी ॿोली दुनिया मां वञे इहो त सुवाल ई कोन थो थिए, छाकाणि त जेसि ताईं सिंध आहे सिंधी ॿोली आहे। तंहिंखां सवाइ हींअर अलॻि अलॻि देशनि में जेके सिंधी रहनि था उन्हनि खे पंहिंजे रूट्स ॾांहुं वापसि वञण जो हिकिड़ो जज़्बो जाॻियो आहे ऐं उन जज़्बे जे तहत हू पंहिंजनि पंहिंजनि अलॻि अलॻि शहरनि में फॉरेन में के संस्थाऊं ठाहे रहिया आहिनि जिन जे ज़रियो के प्रोग्राम कनि था ऐं प्रोग्राम में नई टही खे इन्वॉल्व कनि था ऐं नई टही खे इन्वॉल्व करण सां हू सिंधी ॿोली सिखनि था, ॻाल्हाइनि था ऐं न सिर्फ़ु एतिरो पर हू के संस्थाऊं अहिड़ियूं बि आहिनि फॉरेन में जेके सिंधी ॿोली सेखारीनि था ॿारनि खे ऐं केतिरा अहिड़ा सुठा मिसाल मिलनि था दुबई में, हांगकांग में ऐं ॿियनि मुल्कनि में, जंहिंमें असां ख़ुशि था थियूं त भई नंढा ॿार सिंधी सिखनि था। सिंधी ॿोली खे वधाइण लाइ केतिरा ई सरकारी इदारा कमु करे रहिया आहिनि। NCPSL या वरी साहित्य अकेडमियूं हर स्टेट में कमु करे रहियूं आहिनि, पर केतिरो? सरकारी इदारा हिंदुस्तान में सिंधी ॿोली लाइ ईअं खणी चइजे त कम त करे रहिया आहिनि। NCPSL आहे ऐं अलॻि अलॻि राज्यनि में पंहिंजूं अकादमियूं आहिनि अलॻि अलॻि, उन्हनि जा पंहिंजा पंहिंजा प्रोग्राम आहिनि ऐं उन्हनि प्रोग्रामनि ज़रिए हू सिंधी ॿोली खे कंहिं तरह प्रमोट त करे ई रहिया आहिनि, उन में को शक कोन्हे। ऐं ईअं बि खणी चइजे त हुननि जो काफ़ी कमु साराह जोॻो बि आहे, पर अलॻि अलॻि राज्यनि में हुअण जे करे जेको मयारु हुअणु खपे उहो मयारु त मार खाए ई थो। केतिरियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं असां ॾिसंदासीं जेके मयार जे हवाले में तमामु डिसमल आहिनि, निराशाजनक आहिनि, पर वरी बि एतिरो चइबो त सिंधी ॿोलीअ लाइ कुझु थी रहियो आहे ऐं इहा वॾी ॻाल्हि आहे ऐं उनखे वेलकम करणु खपे, उनजो स्वागत ज़रूरी आहे। मां वरी बि जीअं मूं पहिरीं चयो त सिंधी में लिटरेचर जेको आहे सो काफ़ी क्लास लेवल जो थी रहियो आहे, शाइरी उन में अचे थी ऐं शाइरी में जेकॾहिं तव्हां ईअं खणी चइजे त भई कहिड़ियूं सिनफूं वधीक उभरी आयूं आहिनि, उन में मां चवंदुसि त हिकु त मौज़ूम शाइरीअ में ग़ज़ल ऐं बिना बे छंद शाइरी में नई कविता काफ़ी उभरी आया आहिनि। इन जो काफ़ी नोट वरितो वियो आहे ऐं उन में काफ़ी लिखियो वञे थो। ईअं त शाइरी में अलॻि अलॻि सिनफूं दोहा बि लिखिया था वञनि, अॼुकल्ह बैत बि लिखिया वञनि था, निज़म वग़ैरह जो ज़मानो त रहियो कोन्हे, न जहिड़ा ई आहिनि उहे, पर लिखिया वञनि था। उभरी आयल जेको आहे सो ग़ज़ल आहे ऐं बिना छंदनि वारे में नई कविता। हाणे त सवाल तव्हांजो आहे त भई शाइरी पढ़ी नथी वञे, न सिर्फ़ु सिंधीअ में पर सॼी दुनिया में शाइरी नथी पढ़ी वञे। अॼु बि जेकॾहिं कंहिं अंग्रेज़ी पोएट्रीअ जी जेकॾहिं मैगज़ीन खणंदासीं त हुनजो सर्कुलेशन मुश्किल सां हज़ार हूंदो ऐं सो बि मुश्किल सां थो चवां। हाणे इंटरनेशनल ॿोली इंग्लिश जंहिंमें पोएट्री जो इदारो या पोएट्री जो को इशू निकिरंदड़ हुजे ऐं हज़ार जो सर्कुलेशन हुजे सो बि मुश्किल सां, त सम्झी सघिजे थो त शाइरी जी हालति दुनिया में कहिड़ी आहे। सिंधीअ में वरी बि मां चवंदुसि त मुशाहिरा थियनि था, न फ़क़ति सिंधी साहित्य में शहर घटि पढ़ियो वञे थो पर ॿियनि ॿोलियुनि में पिणु उनखे घटि महत्व मिले थो। उन जो सबबु छा थी सघे थो? शायदि शाइरी ॾुखी सनफ़ आहे। शाइरीअ खे जेकॾहिं ॻायो वञे त बिल्कुलु डेफिनेटली चई सघिजे थो त उनजो असरु थोरो वधीक थींदो, छाकाणि त जेकॾहिं असां पढ़ूं था का ॻाल्हि त एतिरो ध्यानु कोन वेंदो जेतिरो असांखे ॿुधण में वेंदो, ॾिसण में उनखां बि वधीक, त विज़ुअल जेके गायकी थियनि थियूं
तो वो तो काफ़ी अजकल वीडियोस निकरी पाया पर उन जी गाल मां नथो करया एतरो जरूर चवंदुस त असा गायकी जरिए कुछ साहित्य असा बचाए सकूं था ये गजल हुजे या सिनफू बियो हुजन शायरी जो पर मानू बुधण सा एंजॉय भी कन था उनके एप्रिशिएट भी कन था उनके वधिक समझन था हाँ के मसाला अड़ा जे सिर्फ किन मखसूस बोलियन से वाबस्ता जी हाँ असा जो मसलो है बोली के बचाने जो बेन बोलियन में अड़ी गाल काने उन्होंने के बचाने जो तो मसलो है ही को बी गाल बेन बोलियन में हरू भरू ऊंदे भी कान् काफ़ी पढ़ो तो वे तो जरूरी ना है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड यो मने तो भाई असा कहानियों के विजुअली प्रेजेंट करूँ या कहानियों के ऑडियो में पेश कर कहानियों के ऑडियो में पेश करण की गाल जी का है सा अहम तो जरूर है छा जो कार में मानो वजे कैसेट विझी है चालू करे कहानी बुद्धि वो पढ़ बिल्कुल को गाल तो बिल्कुल सही है पर के जी बुधा तो फ्रेमवर्क साहित्य अकादमी जो मुकर्र थल है उन फ्रेमवर्क के बदलाने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही फैसलो वी सके तो वो जरूरी ना है तो किन बिन टिन बोलियन के मसाइल से वाबस्ता रहे यो तें करे एतरो सवलो कम कोने